भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान शिव को क्या चीज़ें चढ़ाई जाती है और क्या चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती। तो आइए जानते हैं भगवान शिव को आखिर ऐसी क्या वस्तुएं हैं जो नहीं चढ़ाई जाती। शिव पूजा का सबसे पावन महीना होता है सावन का महीना। इस महीने में भगवान शिव की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। सारे देवों में भगवान शिव ही ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात भगवान शिव ही देवों के देव महादेव हैं जो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव की पूजा में बहुत सी चीज़ें अर्पित की जाती हैं जो अन्य किसी देवता को नहीं चढ़ाई जाती, जैसे कि आग, बिलपत्र, भांग आदि। इस तरह शिव पूजा में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी पूजा का फल देने के बजाय आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। भगवान शिव की पूजा में भगवान शिव को कनेर और कमल के अलावा लाल रंग के पुष्प प्रिय नहीं हैं। भगवान शिव को केतकी और केवड़े का फूल चढ़ाना निषेध किया गया है। ऐसे ही भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल भी नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को कभी भी तुलसी दल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में असुर राज जलंधर की कथा है, जिसकी पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। शिव जी ने जलंधर का वध किया था, इसलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग ना करने की बात कही थी। भगवान शिव को हल्दी भी नहीं चढ़ाई जाती। धार्मिक